नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रतीक श्रीवास्तव। खबरों की स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने दिव्यांगों के समर्थन में किया अनोखा प्रदर्शन, मंत्री गोपाल भार्गव के निवास पर बजाई सीटी। शिक्षकों ने किया उग्र आंदोलन, नेता प्रतिपक्ष भी आए समर्थन में। इंदौर के कनाड़िया थाने में हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक ने कंबल से लगाई फांसी। प्लैटिनम प्लाजा की 9वीं मंजिल से गिरी महिला, जांच में जुटी पुलिस। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का टाइम टेबल। दृष्टिहीन बेरोजगार युवाओं का 12 दिन से चल रहे अनशन ने अब तक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। दृष्टिहीन युवाओं ने जहां सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जल सत्याग्रह किया था, वहीं अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सीटी बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इसी बीच कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झूमाझपटी हुई। मध्य प्रदेश सरकार की उपेक्षा के शिकार हुए दृष्टिहीन युवा पिछले 12 दिनों से कड़ाके की ठंड में अपनी मांग को मनवाने के लिए नीलम पार्क में अनशन पर बैठे हैं। दृष्टिहीन युवाओं ने पहले भोपाल के छोटे तालाब में जल सत्याग्रह किया था, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। हड़कंप के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने उनकी मांग पूरा करने का आश्वासन दिया था। दृष्टिहीन बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में अतिथियों शिक्षकों का आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। दरअसल प्रदेश भर में अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक 2 दिन से राजधानी भोपाल के शहजहानी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 6 माह से अतिथि शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की हालत खराब हो गई है। इस समस्या को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संगठन ने कई बार प्रदर्शन किया है, लेकिन हर बार अतिथि शिक्षकों को दिलासा ही दी गई। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने नियमित शिक्षक और अध्यापकों के बराबर काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अध्यापकों को 25,000 रुपये वेतन मिल रहा है, जबकि अतिथि शिक्षकों को मानदेय के रूप में 2,400 रुपये दिए जाते हैं। इस आंदोलन का विपक्ष कांग्रेस फायदा लेने में पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की मांग को जायज बताते हुए अतिथियों के साथ आंदोलन में जुट गई है। इसे कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में प्लैटिनम प्लाजा की 9वीं मंजिल से एक महिला की गिरने से मौत हो गई। महिला के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि आसपास के लोग काफी समय तक शव को उठाने की भी हिम्मत कर पाए थे। महिला बालकनी में शाम के समय क्या करने गई थी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। लाल घाटी रोड स्थित हाइड आउट रेस्टोरेंट के संचालक अनुराग बंसल प्लैटिनम प्लाजा की 9वीं मंजिल पर रहते हैं। गुरुवार शाम करीब 6 बजे इनकी माँ रीटा बंसल 65 बालकनी में किसी काम से गई, उसके बाद अचानक वे 9वीं मंजिल से गिर गई। गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। महिला के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरने के बाद महिला का सिर बुरी तरह फट गया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को हटाया और शव को कब्जे में लेकर PM के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया। शुक्रवार को इंदौर के कनाड़िया थाने में महिला शौचालय में हत्या के आरोप में गिरफ्तार मुलजिम ने कंबल से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक का नाम निक्की उर्फ सन्नी डोंगरे है। कुछ दिन पहले कनाड़िया बाईपास पर लाश मिलने पर पूछताछ के लिए लाए थे कनाड़िया थाने
मूसा खेड़ी का रहने वाला है युवक। कनाड़िया थाने पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद, थाने में जुटी है पुलिस। कनाड़िया थाने की लॉकअप में कंबल की चिंदी निकालकर हत्या के संदेही युवक ने फांसी लगा ली। चिंदी से बाथरूम के नल पर फंदा बांधकर युवक ने गला कस लिया। पुलिसकर्मियों ने देखा तो तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। उसे पूछताछ के लिए परिजन ही थाने पर छोड़कर गए थे। मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है। कनाड़िया थाने में गुरुवार शाम 4:30 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब महिला बैरक में बंद सनी उर्फ डोबा, पिता रमेश अलोनिया निवासी शांति नगर मूसा खेड़ी ने फांसी लगा ली। संतरी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने शोर मचाया। घटना की जानकारी मिलने पर सनी के परिजन भी मयूर अस्पताल पहुंचे। एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाने पर परिजन ही उसे छोड़कर गए थे। पूछताछ के बाद उसे अलग बैठा दिया गया था। इसी बीच वह बाथरूम जाने के लिए महिला बैरक में चला गया। प्रदेश में इस साल पहली बार चलाई गई भावांतर योजना की जमीनी हकीकत जानने दिल्ली से नीति आयोग का दल जिले में पहुंचा। दल ने मंडी प्रबंधन के साथ सबसे पहले आस्टा कृषि उपज मंडी में पहुंचकर योजना का जायजा लिया। किसान व्यापारियों से भी चर्चा की। इसके बाद दल सीहोर मंडी पहुंचा। यहां पर भी मंडी परिसर का जायजा लेने के बाद कक्ष के अंदर प्रबंधन से चर्चा की। इसमें योजना के बारे में फीडबैक लिया गया। दल की सूचना के बाद मंडी में हड़कंप मच गया था। प्रबंधन व्यवस्था जुटाता हुआ नजर आया। किसानों को उनकी उपज के लिए दाम मिल सके, इस उद्देश्य से इस साल प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना चलाई है। योजना का लाभ लेने किसानों ने पंजीयन कराए थे। इसके बाद 16 अक्टूबर से खरीदी का काम शुरू हुआ था। करीब 2 महीने से भी अधिक समय से चल रही खरीदी के चलते अधिकांश पंजीकृत किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। योजना किस तरह से चल रही है और क्या अब तक इसका फीडबैक रहा है, उसकी जानकारी लेने दिल्ली से नीति आयोग का दल ने जिले में दस्तक दी है। दल में शामिल भारत सरकार नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर राजेश राजौरा, MD फैज अहमद किदवई ने मंडी प्रबंधन के साथ मिलकर आस्टा मंडी का निरीक्षण किया। लगातार मंडी में किसानों की घटती संख्या के बाद जल्दी भावांतर योजना में खरीदारी का काम बंद हो सकता है। इसके बाद किसानों को भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जानकारी नीति आयोग का दल मंडी में निरीक्षण करने आया था। इसमें भावांतर योजना का फीडबैक लिया गया। इसमें योजना के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं सिवनी शहर से होकर आने जाने वाली यात्री बसों में मनमानी सवारियां भरी जा रही हैं। इस पर कार्रवाई के लिए जब पुलिस ने जबलपुर से नागपुर की ओर जा रही बस को सिवनी के कचहरी चौक में रोका तो बस के ड्राइवर कंडक्टर ने पुलिस से विवाद किया। काफी देर बाद विवाद की स्थिति बनी रहने के बाद पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर बस को रवाना किया। बालाघाट में कोतवाली थाना क्षेत्र के बूढ़ी वार्ड नंबर 13 में स्थित एक होटल सहित 5 दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमरी कर नकदी सहित 5 मटेरियल पार कर दिया। घटना 28 दिसंबर की रात्रि की बताई जा रही है।
पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। पीड़ित दुकानदार विजय सुंदर ने बताया कि रात्रि करीब 11 बजे उसके छोटे भाई गणेश ने दुकान बंद कर घर आ गया था। 29 दिसंबर की सुबह जब दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। वहीं दुकान के गल्ले में रखे 2000 रुपये, गल्ला सहित व करीब 800 रुपये का पान मटेरियल चोरों ने चोरी कर लिया। इसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस इंदौर पहुंची। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में 60% कुपोषण था, जो हम अब उसे 42.8% तक ले आ चुके हैं। और उन्होंने पालना योजना के बारे में भी बताया कि इस योजना में जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पाल सकते उसे हमें सौंप दें, हम उसकी सेवा और देखभाल करेंगे। हम मध्य प्रदेश में मिशन पालना हमने प्रारंभ किया है और मिशन पालना के अंतर्गत हमने सभी जिलों को इसका निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले में जहाँ भी संभव हो सके समाज के सहयोग से या शासन की योजना के अंतर्गत हम सुरक्षित पालना अस्पताल में, संस्थाओं के बाहर, मंदिर के बाहर जहाँ संभव हो हम पालना रखें, पालने में धूप बारिश ना आए इसकी चिंता करें और हम वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा वहाँ अपना रख के जाएगा वो घंटी बजा के निकल जाए और संस्था वाले या अस्पताल वाले आके उस बच्चे को लेके उस बच्चे को की परवरिश की चिंता करें। हम एक अभियान के तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार इसको बड़े मुस्तैदी से ले रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे अपना बच्चा नहीं चाहिए, मैं ऐसी बच्ची के संदर्भ में एक बार पुनः इसको अंडरलाइन करूँगी कि आप अपना बच्चा फेंके नहीं, हमें दें। क्या आखिर आपको लग रहा है इसके मूल माता पिता उसको ढूंढने के क्या प्रयास किया जाएगा आगे, आप इसको बच्ची का क्या होगा इसका भविष्य? ये मैंने जो अभी उल्लेख किया था बात करते समय कि प्रक्रिया और नियम इसमें निर्धारित है। जब भी कोई बच्चा कहीं मिलता है और उसके बारे में पता नहीं होता, पहला कर्तव्य अथॉरिटीज को होता है कि उसके माता पिता को ढूंढे। फिर अगर माता पिता नहीं मिलते हैं, उसको बार बार अगर नियम प्रक्रिया के अंदर प्रयास किया जाता है उनको आइडेंटिफाई करने का, ढूंढने का, उन्हें बताने का, और उसके बाद बच्चे को अडॉप्शन के लिए लिस्ट आउट किया जाता है और ऑनलाइन जो इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे वो उसके लिए अपना पंजीयन करता है और प्रक्रिया के अनुसार कारा की गाइडलाइंस के अनुसार हम बच्चे को अडॉप्ट करने की व्यवस्था बनाते हैं। सीहोर में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके बाद से ही छात्र छात्राओं की धड़कन तेज हो गई है, वह परीक्षा की तेजी से तैयारी में जुट गए हैं, शेड्यूल बनाकर विषय को कवर कर रहे हैं जिससे कि अच्छे अंक ला सकें। 8 घंटे से ज़्यादा की भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में जिले में इस साल करीब 51,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 105 केंद्र बनाए गए हैं। साल 2018 में होने वाली हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा का माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल घोषित कर दिया है। इसमें 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी और 3 अप्रैल तक चलेगी। 10वीं की परीक्षा 5 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा शुरू होने में अब करीब 2 महीने शेष का समय रह गया है। टाइम टेबल जारी होने के बाद उन छात्रों की नींद उड़ गई है जिन्होंने अब तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है, वे अब शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करने में जुटे हैं। इससे हर विषय के लिए घंटे निर्धारित किए गए हैं जिससे कि जल्द कवर हो सके, जबकि नियमित पढ़ाई करने वाले छात्र परीक्षा शुरू होने के इंतजार में हैं। 51,000 विद्यार्थी देंगे 10वीं और 12वीं की परीक्षा। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक हुए अलर्ट। बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित होते ही विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक अलर्ट हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद ही निजी और सरकारी स्कूलों में तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गई हैं। परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद से निजी और सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ साथ अभिभावक और विद्यार्थी द्वारा भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। स्कूल प्रबंधन कोर्स पूरा कराने के साथ विद्यार्थियों से अभ्यास कराने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जिले में परीक्षा परिणाम अव्वल लाने प्राचार्यों की बैठक ली जा चुकी है। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है।
सीओर में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से संबंधित पीजीडी सीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा शहर में आयोजित की गई। एमएलबी स्कूल में बनाए गए सेंटर पर सैकड़ों छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। एमएलबी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में गुरुवार को पीजीडीसीए की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें शामिल होने वाले छात्र छात्राएं परीक्षा शुरू होने से पहले ही पहुंच गए थे। तकरीबन 597 छात्र छात्राओं ने यह परीक्षा दी। इसकी शुरुआत से पहले दीवार पर चिपका दी गई थी लिस्ट, जहां पर छात्र छात्राएं अपना रोल नंबर तलाशते हुए नजर आए। परीक्षा में नजर रखे हुए थे टीम। परीक्षा में नकल रोकने के लिए टीम भी गठित की गई थी। यह टीम निगरानी करती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि परीक्षा समाप्त होने तक एक भी इस तरह के मामले सामने नहीं आए। इसी तरह से सुभाष स्कूल में भी पीजीडीसीए की परीक्षा आयोजित की गई थी। सिवनी के केवलारी विधानसभा के अंतर्गत आने ग्राम पोंगर में सागर नदी पर बांस बल्ली का पुल बनाकर ग्रामवासियों को आना जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं कहा कि इस साल पुल नहीं बनाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। केवलारी विधानसभा के अंतर्गत पलारी के समीप ग्राम पोंगर में विगत 4 वर्षों से ग्रामवासियों के द्वारा नदी पार करने के लिए बांस बल्ली का पुल तैयार किया जाता है और फिर नदी पार की जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सागर नदी में आने जाने के लिए विगत 4 वर्षों से पुल बनाते आ रहे हैं। बरसात के पूर्व भी ग्रामीणों के द्वारा इस पुल में लगी बांस बल्लियों को निकाल लिया जाता है। ग्रामीणों ने संबंध में पूर्व में कई बार क्षेत्रीय सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराकर पुल निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस है। ग्रामीणों की समस्या पर एक बार फिर कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड के समक्ष रखने और उनसे ग्राम पोंगर के वासियों के लिए समस्या से निजात दिलाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर सुनील राय के द्वारा संबंध में शासन से पुल निर्माण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भोपाल के कैंपेन स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल टीचर्स मीट के समापन समारोह में सीबीएसई के पूर्व डायरेक्टर एकेडमिक जी बाल सुब्रमण्यम ने टीचर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वे महज किताबी ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते। टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ाने से पहले ये जानना होगा कि स्टूडेंट्स की क्यूरी क्या है, उसे क्या नहीं पता है और उसे क्या पढ़ाना है। अब हर स्टूडेंट्स को एक जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। वो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देना चाहता है। अब वक्त आ गया है कि टीचर्स को सुपर स्पेशलिस्ट बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्कूलिंग हो, यानी स्टूडेंट्स फिजिक्स कहीं और तो केमिस्ट्री कहीं और पढ़ेगा। उन्होंने सीखने से आधुनिक प्रवृत्ति पर एक इनपुट देते हुए बताया जिसमें भाषा भी शामिल थी, जिसका मतलब है बढ़ाना, सक्षम करना और सशक्त बनाना। उन्होंने कहा कि उद्देश्यों, लक्ष्यों और संसाधनों, समय सारणी और मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन का मतलब सुपरस्टार बनाना नहीं। दूसरे दिन का पहला सत्र डॉक्टर सैनिथल कुमार ने लिया। उन्होंने मुख्य समन्वयक शिक्षक के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सुपरस्टार बनाने के लिए नहीं बल्कि एक सक्रिय, अच्छे और खुश नागरिक बनाने के लिए है। स्कूल का अनुभव बेहतर भारत बनाने के लिए रवैया में नई क्षमताएं बनाने की आवश्यकता है। ABC, जिसका मतलब है जागरूकता, निर्माण क्षमता और परिवर्तन, सशक्तिकरण एक का तरीका है। वहीं शिक्षावादी मानस पांडे ने कहा कि यदि फीडबैक सही स्तर पर नहीं लिया जाता तो एजुकेशन का फायदा नहीं होगा। डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपने सत्र में कहा कि शिक्षा मनुष्य को नैतिक बनाने की कला है। बच्चे भी ऐसा देखते हैं और ऐसा ही करते हैं, इसलिए रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम में 100 शिक्षकों को उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। पूरे देश से 500 से अधिक शिक्षकों ने मीट में शामिल हुए। So, learning is life giving. Friends, the question is, what are the major changes that are going to impact us that happen? So, where's the change? Number one, we are now moving from e-school to m-schools, as I've already said, from electronic schools to mobile schools, which are going to do some beauty. Learn helpless, I can give an example. जो हाथी है ना, वहीं सीहोर में गरीब और जरूरतमंदों के लिए रसोई योजना की शुरुआत की गई थी।
तब से लेकर अब तक महज 5 रुपये से भरपेट भोजन योजना के तहत मिल रहा है। अब तक लाखों लोगों ने अपने पेट की भूख शांत की है, लेकिन इस योजना को दानदाताओं से कोई खास लाभ नहीं मिल सका है। इसके चलते एक बार फिर योजना लड़खड़ाने लगी है। अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो मजबूर और ज़रूरतमंदों को परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है। बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत 7 अप्रैल से हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंदों की भूख शांत कराना था। तब से लेकर आज तक योजना के तहत 1,46,300 से अधिक लोगों ने भोजन किया। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन दानदाताओं की कमी के चलते पिछले कुछ माह से संचालन करने में कठिनाइयां हो रही हैं। इसका मुख्य कारण दानदाताओं से सहयोग नहीं मिलना सामने आ रहा है। प्रदीप शर्मा ने बताया, रसोई संचालन करने में राशि कमी लगातार बन रही है। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में समस्या और बड़ी हो सकती है। तकरीबन रोज 500 लोग लाभ दीनदयाल रसोई योजना के तहत प्रतिदिन भोजन करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर रोज औसतन 500 से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं। पिछले 9 माह से अब तक 2.25 लाख के करीब योजना के तहत लाभ ले चुके हैं। 40 से कम में नहीं मिलता भोजन। बढ़ती महंगाई के दौर में गरीबों को कुछ हद तक राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई थी। अगर कोई होटल या ढाबा भोजन कराता है तो उसका खर्च कम से कम 40 से 90 रुपये तक प्रति व्यक्ति आता है। यही भोजन योजना के तहत ज़रूरतमंदों को महज 5 रुपये में आसानी से मिल जाता है। यह है भोजन की स्थिति। योजना के तहत अब तक 1,46,300 लोगों ने भोजन किया है। 5 रुपये प्रति व्यक्ति के मान से 7,31,500 रुपये आए हैं। वहीं दान राशि 1,75,700 रुपये दान में अब तक मिले हैं। कुल मिलाकर 3,22,050 रुपये ही जमा हो सके हैं, जबकि प्रति व्यक्ति पर 40 रुपये के लगभग एक व्यक्ति पर खर्च आता है। सीहोर में काम से खुशी खुशी घर लौट रहे युवक को क्या पता था कि वह घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लापरवाह ट्रक की चपेट में आ जाने से युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन फरार बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार ग्राम बड़नगर निवासी 18 वर्षीय सूरज जाटव सीहोर से काम कर बाइक से घर लौट रहा था। तभी गाँव के नजदीक क्रेशर मशीन के पास ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन शाम हो जाने के कारण डॉक्टरों ने पीएम किए जाने से मना किया। बताया जाता है कि पीएम नहीं होने से उत्तेजित ग्रामीण चक्का जाम करने नदी चौराहे पहुंच गए थे, लेकिन चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। युवक का पीएम अब शुक्रवार को किया जाएगा। इंदौर में हातोद के पास एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में मनासा निवासी जाकिर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस हादसे में जाकिर घायल हुआ वह 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत से हुआ था। नसरुल्लागंज में मवेशी भरकर राजस्थान से छत्तीसगढ़ ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर जब्त किया है। ट्रक में क्रूरतापूर्वक मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा था। ट्रक में करीब 30 गाय और बछड़े थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नसरुल्लागंज मार्ग पर ग्राम लाड़ुकई के पास ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक RJ14GC2551 को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वाहन में करीब 30 मवेशी भरे हुए थे। मवेशियों से भरा एक ट्रक सीहोर से नसरुल्लागंज की ओर जा रहा था, जिसे ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया है। पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं मवेशियों को गौशाला सीहोर में मेरा मोबाइल, मेरा बैंक और मेरा बटुआ, यह स्लोगन लेकर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। इसके माध्यम से आमजन को डिजिटल इंडिया को लेकर जागरूक किया गया। पीजी कॉलेज के छात्रों को डिजिटल इंडिया को लेकर जागरूक किया जा रहा है। एक दिन पहले कॉलेज में शिविर आयोजित किया गया था। रैली निकाली गई, इसकी शुरुआत कॉलेज से हुई। रैली में छात्र छात्राओं को हाथों में स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर चल रहे थे। इसमें मेरा मोबाइल, मेरा बैंक और मेरा बटुआ, बिना कैश के भुगतान मुमकिन है का संदेश दिया गया। रैली का शुभारंभ
कॉलेज की प्रचार डॉक्टर उर्मिला सलूजा हरी झंडी ने दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को वर्तमान में डिजिटल सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। रैली को संबोधित करते हुए कलेक्ट्रेट NIC प्रभारी संजय जोशी ने भविष्य में उच्च शिक्षा से संबंधित कई आश्चर्यजनक परिणाम डिजिटल माध्यम से प्राप्त होंगे। जागरूकता रैली का संचालन करते हुए NCC अधिकारी डॉक्टर उदय डोलस ने बताया कि रैली में उपस्थित छात्र छात्राएं डिजिटल इंडिया से संबंधित पैम्पलेट प्रचार सामग्री नागरिकों में वितरित कर रहे थे तथा प्रीपेड वॉलेट UPI ATM कार्ड्स POS आधार एनवेल्ड पेमेंट सिस्टम USSD जैसे डिजिटल इंडिया से संबंधित जानकारी नागरिकों को समझाते हुए भी चल रहे थे। रैली में यह भी बताया गया कि हर बैंक को अपना मोबाइल ऐप है, इसके जरिए स्मार्टफोन से रुपए का लेन देन मुमकिन है। अपना मोबाइल नंबर बैंक या ATM में रजिस्टर कीजिए, उसमें यूनिक ID बनाएं और UPI सेट करें। इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े गणपति पर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर आज इंदौर के बड़ा गणपति पर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ। सागर में पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक हुकुमचंद बहन ने शुक्रवार की सुबह अपने सरकारी आवास पर अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच में लिया है। मृतक के पास सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे पारिवारिक तनाव के चलते उठाए कदम मान रही है। शाजापुर शहर के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय ज्योतिनगर में शुक्रवार को शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां उपस्थित अधिकारियों ने शासन की मंशा व शिक्षकों की भूमिका पर ध्यान आकर्षण कराया। इसके साथ ही शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न सुझाव एवं निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर स्कूल स्टाफ सदस्यों सहित अतिथि एवं प्रशिक्षक उपस्थित थे। इंदौर के वेंकटेश मंदिर में बैकुंठ महोत्सव मनाया जा रहा है। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे से ही वहां पर भक्तों की कतार लग गई थी। बैकुंठ महोत्सव में काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे और उन्होंने यात्रा का आनंद लिया। यात्रा में विशेष बैकुंठ द्वार से किया गया प्रवेश। इंदौर में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा संत कबीर की स्मृति में निर्गुण समारोह का शुभारंभ 28 दिसंबर को स्थानीय मल्हार स्मृति मंदिर के सभागार में हुआ। इस अवसर पर भोजपुरी साहित्य अकादमी के निदेशक राहुल रस्तोगी, कार्यक्रम सहायक नारायण प्रसाद एवं बड़ी संख्या में कबीर पंथी एवं संगीत रसिक प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकारों एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद निर्गुण गायिका गीताबाई पराग टोंक देवास ने गुरुदाता तमने तो करी वो महारी गीत से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुंदर निर्गुणी भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी संगत में लीलाबाई पराग सह गायिका के रूप में रही। उनकी गायकी में ताल वाद्य पर हारमोनियम, ढोलक और वायलिन पर मनोज टिपानिया ने गुरु की महिमा बताते हुए गुरुजी के चरणों में रहना रे वंदे निर्गुणी भजन से की। साथ ही उन्होंने हर हर मारूंगा निशाना निर्गुणी भजन गाकर श्रोताओं का मंत्र मुग्ध किया। सहयोगी गायक में विजय टिपानिया, हारमोनियम पर धर्मेंद्र, ढोलक पर अजय टिपानिया, वायलिन पर देव नारायण एवं मनोज ने संगत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत रसिक कार्यक्रम में पहुंचे और संगीत का लुफ्त उठाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई। शुक्रवार को भोजपुरी गायिका पटना बिहार की रीना कुमारी, भोजपुरी गायक रामेश्वर गोप, ग्राम माधोपुर जिला छपरा तथा जबलपुर के गजल एवं भजन गायक अनवर हुसैन प्रस्तुति देंगे। उज्जैन में स्कूली शिक्षा विभाग के तत्वाधन में आयोजित शालेय राज्य स्तरीय कालिदास समारोह का शुभारंभ महाकाल मंडप में हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के बाद 5 संभागों के कनिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों ने कालिदास की रचनाओं पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। इसमें भोपाल, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन संभाग के प्रतिभागियों ने अभिज्ञान शाकुंतलय व जबलपुर संभाग के प्रतिभागियों ने कुमार संभव पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी। समारोह में प्रदेश के विभिन्न संभागों से लगभग 200 प्रतिभागी एवं अनेक मार्गदर्शी शिक्षक समारोह में सहभागिता करते रहे। जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में ब्लॉक लेवल पर विज्ञान के प्रति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
तीन विधाओं में 9 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान ढोंगी बाबाओं के द्वारा फैलाए जा रहे अंधविश्वासों की वास्तविकताएं बताई गई जो केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। बाबा मेरी पोती को क्या हो गया, जल्दी चलो, उसका पेट दुख रहा है। जय काली नमस्ते वाली, तेरा वचन न जाए काली। क्या हुआ बेटी, तुम्हें बाबा पेट दुख रहा है? बेटी बेटी तुम्हें भूख पेट का सारा लग रहा है। बेटी तुम मैंने कहीं गई थी? कहाँ? तुम्हें दुरेला लग रहा है? बाबा ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं बेटी, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। हल्दी ले लियो। बेटी इसे अपने हाथों से लगाओ। इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की शुक्रवार से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर ICAI के प्रेसिडेंट नीलेश विकम से उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर CA कैमिशा सोनी व को चेयरमैन सोम सिंघल ने बताया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी व इंदौर CA ब्रांच के इस आयोजन में अनेक विशेषज्ञों ने आयकर कानूनों पर चर्चा की। नीलेश विकम से ने कहा कि GST एक बेहद अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसे हमारी स्थानीय कारोबारियों की जरूरत के हिसाब से आदर्श बनाना होगा। स्पेशल सेशन में ICAI के अध्यक्ष CA नीलेश विकमसे के साथ ही उपाध्यक्ष CA नवीन ND गुप्ता और पूर्व अध्यक्ष मनोज फर्नांडिस ने भी अपने विचार रखे। इसी आयोजन के चलते 30 दिसंबर को डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला का उद्बोधन होगा। आने वाले सेशन में CA सुनील गावावाला GST पर, यज्ञेश देसाई और कपिल गोयल प्रॉपर्टी पर व्याख्यान देंगे। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पत्रिका TV।